चलिए आइए पहले डेफिनेशन देखते हैं पैरामीटर होता क्या है पैरामीटर इज अ पाथ सराउंडिंग द एरिया ऑफ अ क्लोज रिजन इट इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ टू डायमेंशनल शेप पहले हम इस सेंटेंस को समझेंगे कि इसमें पैरामीटर के बारे में कहा क्या गया है पैरामीटर इज अ पाथ सराउंडिंग द एरिया ऑफ अ क्लोज शेप वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड क्लोज शेप वो शेप जो चारों तरफ से बंद होती है उसे हम कहते हैं क्लोज शेप लाइक योर सर्कल स्क्वेयर रेक्टाइंगल ये सब एक क्लोज शेप हैं और जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं उसको हम कहते हैं पैरामीटर इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं आप उस बाउंड्रीज को महर करते हैं और उनकी लेंथ को अप कर देते हैं और उससे हमें पैरामीटर पता चलता है आइए इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं फाइंडिंग पैरामीटर यूजिंग अ स्क्वायर ग्रिड यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक स्क्वायर बनाया है जो कि फोर स्मॉल स्क्वायर से बना है अब मुझे इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है इसका पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसकी आउटर बाउंड्री को देखना है कि उसमें उसने कितना एरिया कवर किया है सो दैट वी कैन एबल टू फाइंड आउट इट्स पैरामीटर सो लेट गेट स्टार्टेड इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हेयर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये वन स्क्वेर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो इस स्क्वायर का पैरामीटर क्या हो गया मेरे पास एट सेंटीमीटर या एट स्क्वेड यूनिट क्योंकि ये मैंने स्क्वायर पेपर पे बनाया है इसलिए ये स्क्वेड यूनिट होगा इसकी एक प्रॉपर मेजरमेंट नहीं थी इसलिए मैंने इसको एट स्क्वेड यूनिट में लिख दिया है आइए चलते हैं अब अब एक और शेप का पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट शेप है वो है रेक्टैंगल रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को रिकॉल करें रेक्टैंगल में उसकी ऑपोजिट साइज इक्वल होती हैं और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं अब हमने इस शेप का पैराीटर फाइंड आउट करना है पैरा की भी डेफिनेशन को रिकॉल करें यस एडिंग ऑल इट्स आउटर साइड और दी बाउंड्री जो इसकी बाउंड्री है हमें वो कैलकुलेट करनी है चूंकि मैंने अब ये रेक्टेंगल एक मेजरमेंट में नहीं बनाया मैंने इसको एक स्क्वा ग्रिड पेपर पे बनाया हुआ है जिसमें मैं इसका स्क्वायर को काउंट करूंगी सो लेट गेट स्टार्टेड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी 21 एंड 22 सो so, बच्चों इस रेक्टेंगल का पेरिमीटर इज 22 स्क्वेड यूनिट है आई होप आपको स्क्वेड यूनिट पे या स्क्वायर पेपर पे आप शेप ड्रॉ करेंगे यू आर एबल टू फाइंड आउट इट्स पेरिमीटर वेरी गुड अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के अगर हमारे पास लेंथ गिवन हो या हमें कहा गया हो उसकी लेंथ को मैयर करें तो फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर सो अब मैं आपको बताती हूँ ये है आपके सामने फिगर स्क्वायर की स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है इसमें सारी साइड उसकी इक्वल होती है अब आप देख सकते हैं मैंने स्क्वायर की सारी साइड्स को एक लेंथ में लिख दिया है आई डोंट हैव इट्स मेजरमेंट लेकिन अब हम इसके थ्रू इस पैरामीटर का फॉर्मूला डराइव करेंगे

I hope ये आपको समझ आ गया होगा. अब हम next board पे चलते हैं और of rectangle को आउट करते हैं तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट शेप है वो है रेक्टेंगल रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. आइए अब हम डिराइव करते हैं रेक्टेंगल का फॉर्मुला टू फाइंड आउट इट्स पेराीटर इसमें भी पैरामीटर को आपको रिकॉल करना है पैरामीटर इज एक्चुअली एडिंग ऑल इट्स सो लेट्स स्टार्ट एडिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं सारी लेंथ को एक साथ एड करना सो so, मेरे साथ अब सब बच्चे एड करेंगे एल इधर हमारे पास है बी ब्रेथ देन अगेन इट्स एल फिर हमारे पास है ब्रेथ और यहाँ मैं इक्वल टू के साथ बिकॉज आई एम फाइंडिंग अ पैरामीटर तो मैं यहां पेरामीटर लिखूंगी और प्लीज मत भूलिएगा इक्वल टू का साइन डालना मैं अगेन पैरामीटर लिखूंगी इक्वल टू अब मेरे पास जो एल और लेंथ है जिसको मैंने एल से रिप्रेजेंट किया है मैं उनको साथ लिख लूंगी एल प्लस एल इसी तरह ब्रेथ प्लस ब्रेथ को मैं एक साथ लिख लूंगी आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा चूंकि मैं पेरीमीटर है मैं पूरा नहीं लिखूंगी आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग इट विद स्मॉल पी ओवर हियर एल कितने टाइम ऐड हो रहा है टू टाइम्स तो मैं टू एल लिख सकती हूँ प्लस बी कितने टाइम एड्स हो रहा है टू टाइम्स मैं टू टाइम लिख सकती हूँ फिर मैं दोबारा पी करूंगी करूँगी टू चूंकि मेरे पास टू दो दफ़ा आ रहा है तो मैं टू को कॉमन ले सकती हूँ एक दफ़ा लिख सकती हूँ कैसे टू को मैंने कॉमन लिया मैंने ब्रैकेट डाल दिया और एल प्लस बी आ गया तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास पैरामीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला और वो भी किस शेप का रेक्टैंगल का आई होप आपको याद हो गया होगा स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है कि उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है फोर एल चूंकि हमारे पास रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइज इक्वल होती है तो हम उसका जो फॉर्मूला हमने जो डराइव किया है थ्रू दिस क्या बना ब्रैकेट प्लस अब हम चलते हैं एक कॉम्पोजिट शेप का पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि कॉम्पोजिट शेप क्या होती है कॉम्पोजिट एक वर्ड होता है जिसमें मोर देन वन थिंग इंक्लूड करते हैं तो कॉम्पोजिट शेप में एक से ज्यादा शेप इंक्लूड होती है आप ये देख सकते हैं मैंने एक शेप बनाई है इसमें एक से ज्यादा शेप्स यूज हुई हैं इसमें एक स्क्वायर नहीं है एक रेक्टेंगल नहीं है लेकिन मोर देन वन शेप्स आर बीन यूज सो अब अगर आपको कहा जाएगा टू फाइंड आउट इट्स एक्सपैरामीटर आपको सब लेंथ सब साइड्स को ऐड करना है सो आइए देखते हैं हमने क्या किया पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं देन वी आर गोइंग टू गो विद द क्वेश्चन

चूंकि मुझे पैरामीटर फाइंड आउट करना है पैरामीटर का क्या, क्या है डेफिनेशन जस्ट टू एड साइड चलिए आइए इन सबको एड करते हैं पैरामीटर एडिंग ऑल द साइड सो पी इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर प्लस बी सेंटीमीटर सी सेंटीमीटर डी सेंटीमीटर प्लस ई सेंटीमीटर एफ सेंटीमीटर जी सेंटीमीटर H, I, and J. इस शेप का बहुत ही बड़ा पैरामीटर आ सकता है अगर हमारे पास इसकी मेजरमेंट होगी चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इस लेक्चर में हमने पैरामीटर को डिस्कस किया है आई होप आपको समझ आ गया होगा कीप लर्निंग अल्लाह हाफिज़